Hallelujah. Praise the Lord. आज की पुनः अलौकिक संध्या में आप सबों का स्वागत करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि जितनी प्रार्थनाएं और अपेक्षाएं आपने की है उनसे बढ़कर प्रभु प्रकाशित प्रकाशन के साथ अद्भुत महिमा की बातों को आपके जन्म रूपांतरण के लिए जगतिन के माध्यम से अद्भुत इससे पहले कि हम सुने अपने चिन्हों को तैयार करें और प्रभु से कहें अपने चिन्हों को आपके हाथों में आइए अपनी आंखें बंद कर लें बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु की उपस्थिति में पहुंचाएं और अपने ध्यान केंद्रित करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थ पर इतना हम आपके चरणों से पाते हैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस अलौकिक संध्या के लिए जो महिमा से भरी हुई है उसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसके लिए हम अपने लहू से प्रभु अपने लहू से अपने हृदय का छिड़काव करके मन वचन करने से जो भी अपराध में इसकी शिकार होता है साथ साथ प्रभु हम अपने धार्मिक तल पर आप धार्मिक तल इस प्रभु पर आपके पास पहुँच साथ साथ पवित्र आत्मा और अलौकिक सहायता जो आपने प्रभु यीशु में प्रदान कर दी है यीशु के नाम से प्रभु अपनी महिमा का भाव हर एक के जीवन में धन्यवाद देते पूरे समय को पवित्र आत्मा नियंत्रण में लीजिए संचालन करिए अद्भुत महिमा की बातों को जो तुमने देखा नहीं सुना नहीं और हमारी चीत में नहीं चढ़ी उन बातों को आप देने जा रहे हैं इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम घटते चले जाएं और आपकी अद्भुत महिमा का जलाल हमें से हर एक के जीवन में बहता चला जाए धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी आपकी अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के साथ होने पाए प्रभु। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं आपकी महिमा की अद्भुत बातों का प्रभाव हमें से हर एक के जीवन से बहने पाए धन्यवाद हो प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। जीवन जीवन का पानी पिलाने यीशु राजा है आए आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु अलौकिक जीवन देने आए प्रभु कहता है मैं वही भरपूरी का जीवन तुम्हें दे दिया जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उसके सारे प्रभुत्व को अपनी आत्मा के द्वारा अपने प्राण और शरीर में अपने और अपने संबंधों में अपने परिवारों में उसको स्थान दे दिया है वहां पर प्रभु अद्भुत महिमा की बातों को हमारे बीच में संचालित कर रहे हैं। सही मिलकर इस गीत को गाकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं जीवन जीवन का पानी पिलाने यीशु राजा है राजा है आए जीवन जीवन का पानी पिलाने यीशु राजा है आए कुंदन कुंदन सा हमें को बनाने यीशु राजा है आए कुंदन कुंदन सा हमें को यीशु राजा है आए की आशा
आशीषों से, खुशबू से, सब प्रकार के प्रभाव से भरपूर जीवन देने के लिए प्रभु मेरे को आया, और वो आज हमारे साथ है, हमारे बीच में है। और जितने उसको प्रभु मानकर, उसके प्रभुत्व को लेकर, उद्धारकर्ता मानकर उसे प्रथम स्थान देकर चल रहे हैं, प्रभु कहता है मैं उनको जगाने आया। उनकी अवस्था में एक एक बातें जो प्रभु देने आया था उसका भी प्राय पूरा करें, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है और वो चाहता है कि जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, अब तुमको कोई जगाने आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी तू वचन सुनाने के लिए आया है। आइए प्रभु की अद्भुत अलौकिक वाणी को सुनेंगे, और हम चाहेंगे कि इसका अद्भुत भाव हम प्रभु से प्राप्त करें। हम सब प्रभु कहते हैं मैं जगाने आया हूं, जागते रहो और प्रार्थना करो। 21वें अध्याय की 36वीं आयत में प्रभु से कहता है लूका में कि तू प्रभु यीशु से मिलने और आने वाले क्लेश से बचने के लिए दो बातें जरूरी है कि हम जागते और प्रार्थना करते रहें, कि आने वाले क्लेश से बचने और प्रभु से मिलने के लिए। आइए जागो सोने वाले, और उसके बाद हम फिर अलौकिक वाणी जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुम्हें को जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुम्हें को जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी
आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रभु से चाहेंगे कि प्रभु आज की अलौकिक वाणी का अद्भुत भाग हम में से हर एक के जीवन में प्रवाहित होने पाए। हम सब अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रभु ने स्पष्ट रूप से हमसे ये बातें कही और हमसे चाहता है कि अलौकिक धारा का प्रभाव हम में से हर एक के जीवन में बहुतायत से होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम चाहेंगे प्रभु की अद्भुत वाणी का अद्भुत प्रभाव हमें से हर एक के जीवन में बहने पाए। हर एक इन गीतों के साथ हमने अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सपूत किया है और वो चाहे कि अद्भुत भाग अलौकिक भाग हमारे जीवन से बहने पाए। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु की समर्थि पर प्रभु उत्तर नाम में प्रभु हम आपके चरणों से ही पाते हैं। आपके अलौकिक प्रभाव के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो आंखों ने देखी, कानों ने सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों का प्रकाशित करते हुए उन प्रवाह को जो बहुतायत का, भरपूरी का, खुशबू का, महिमा का जीवन जो देने आए, उन अभिप्रायों का आज हम व्यक्त कर सके। प्रभु पूरे समय को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आज प्रभु आपने बताया कि मैं बिना बताए कुछ भी नहीं करूंगा, और जब मैं करता जा रहा हूं इन बातों का अभी तक प्रमाण है। प्रभु आपने बता बता कर सब कुछ किए, आप हमसे बहुत प्यार करते, लहू से दाम देकर खरीदा, आप नहीं चाहते कोई भी नाश हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको बहुतायत का, भरपूरी का, महिमा का, अलौकिक जीवन उनको प्राप्त होने पाए। और जितने लोग इसमें बैठते प्रभु सब बड़ी गंभीरता के साथ आपको प्रथम स्थान देते हुए पूर्ण एकाग्रचित्ता के साथ, पूर्ण विश्वास और आस्था और भक्ति के साथ प्रभु आपके सम्मुख बैठकर आपकी वाणी को जो जीवन को परिवर्तित करती है ग्रहण करने वाले सके। सुनने वाले नहीं मगर जो ग्रहण करते मानने वाले वे अपने जीवन में आशीर्वादित होते हैं। पूरा पूरा बहुतायत के आशीर्वाद का जीवन याकूब 1:25 के आधार पर ग्रहण करते हुए आज्ञाकारी होकर प्राप्त करने का सौभाग्य हर एक को प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। पूरे समय को पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में देते हैं। सारे माध्यमों को, सारे मीडियाज को प्रभु जिसके माध्यम से प्रसारण होता है, सब लोगों के पास पहुंचे और जितने सुनते हैं वे सबके सब आशीर्वादित हों, बचाए जाएं और परमेश्वर के अद्भुत महिमा के राज में शामिल किया जा सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर लें, आमेन। आइए प्रभु को बुलाएंगे और चाहेंगे कि वे प्रभु के वचन को लेकर हमारे बीच में आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। और आज आज जो मैं वचन लेकर आई हूँ आप लोग के बीच में, परमेश्वर जो मैं हर वचन जो बोल रही हूँ इन दिनों में अंत की बातों को बोल रही हूँ, अंत की बातों को सीख, कैसे हमको अंत के दिनों में रहना है, क्योंकि इन दिनों में मैंने परमेश्वर से यही बातों को मांगा कि परमेश्वर मुझे विश्वासियों के लिए, विशेषकर विश्वासियों के लिए मुझे वचन दे। और जितने सुन रहे हैं विश्वासी, वो जो भी ये वचन अभी तक मैं लॉकडाउन के बाद जो दी हूँ उसको आप सुनेंगे, समझें, समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं सोचती हूँ सिर्फ लाभ है और आपके लिए स्वर्ग है। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि जो ये वचन को मैं बोल रही हूँ ये मेरे भी उन्नति के कारण है, ये मेरा भी उन्नति का कारण है। हालेलुया, और इसको ध्यान से सुनिए और इसको मानिए भी। ये परमेश्वर आपके लिए चाहता है कि ये वचन को माने, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोफेटिक वर्ड को आपके बीच में, जो भविष्यवाणी के शब्द हैं वही शब्द को मैं आपके बीच में बोल रही हूँ, ताकि हम मन फिराएं और स्वर्गीय राज के वारिस हो जाएं। ये मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए और मेरे पूरे घराने, जो रायपुर का घराना है मेरा, कलीसिया, जो भिलाई की कलीसिया है, सब सुन के इसको आशीष पाए, मेरी ये इच्छा है और मेरी ये प्रार्थना भी है कि जब यीशु बादलों में आ जाए तो हम सब के सब यीशु के साथ बादलों में उठा लिए जाए। और केवल उठाने के बाद
केवल हम भटकते नहीं लेकिन नरक ना चले जाए लेकिन स्वर्ग के वारिस बन जाए। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालेंगे आप पेन कॉपी। जब मैं बार बार बोलती हूँ, जब मैं मीटिंग लेती हूँ तो आप एक पेन और कॉपी ले के बैठिए और इसको आप जरूर, जो मैं वचन को देती हूँ वो वचन को जरूर आप स्मरण करिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि ये प्रॉफिट भविष्यवाणी के वचन में आपको दे रही हूँ। हालेलुया। वैसे तो पूरा ये बाइबल भविष्यवाणी का वचन है, लेकिन जो मैं निकाल के परमेश्वर ने मुझे दिया है वही बातों को मैं आपको देने जा रही हूँ। तो मैं साथ निकालेंगे इब्रानी 9:27 को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 9:27 को मैं आप लोग के बीच में पढ़ते जाऊंगी और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आज न्याय के बारे में मैं बता रही हूँ। ये न्याय का होना परमेश्वर के तरफ से पहले से ही नियुक्त है। ये पर्टिकुलर भविष्यवाणी को आज मैं पूरा सार के साथ आपको बताने जा रही हूँ। मेरे साथ निकालेंगे यहेजकेल 33, यहेजकेल 33 उसका 7वां वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहेजकेल 33 उसका 7वां वचन मैं आपके बीच में पढ़ रही हूँ। 7वां, मेरे साथ आप भी पढ़ते जाइए। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। यहाँ पे लिखा है हे चरवाहो यहोवा का क्या करो, वचन सुनो। 7वें पद में ऐसा ही लिखा है, मतलब यहेजकेल 33 अध्याय का 7वां पद के अनुसार हर प्रचारक का काम प्रभु के वचन को सुनकर दूसरों को चेतावनी देना है। जो हम प्रचारक काम करते हैं, वचन को सुनते हैं और वचन को सुन के क्या करना है, प्रभु के वचन को सुनकर दूसरे को क्या करना है, चेतावनी देना है। जब परमेश्वर कहे कि दुष्ट तू जरूर मरेगा, हालेलुया, जब परमेश्वर कहे कि दुष्ट तू जरूर मरेगा लेकिन प्रचारक चुप रहे, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने प्रचारक से कहा कि दुष्ट तू जरूर मरेगा, तो प्रचारक अगर चुप रहे तो दुष्ट अपने पाप में फंसा हुआ मर जाएगा, लेकिन पर इसका हिसाब उस प्रचारक से लिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर किसी को भी परमेश्वर किसी के बारे में बोलता है, आपको फट से उस बारे में बताना है। वो दुष्ट तो क्या होगा, प्रचार सुन के वैसे ही मर जाएगा, और ये प्रचारक कर उसको वो बातों को नहीं बताया तो क्या हो जाएगा, इसका हिसाब प्रचारक से लिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेसी को, भविष्यवाणी को आपके बीच में मैं ला रही हूँ। लेकिन अगर प्रचारक साफ साफ उसके पाप बता दे तो प्रचारक बच जाएगा। साफ साफ इन दिनों में प्रचारक मैं यही नहीं बोल रही, प्रचारक केवल पास्टर, प्रचारक मतलब हर कोई विश्वासी जो प्रभु यीशु का सेवा करना चाहते हैं, आज परमेश्वर, आज प्रभु उनसे बातें कर रहा है। अगर आपको साफ साफ किसी के बारे में बता रहा है परमेश्वर, अपने ऐड के कारण आपने नहीं बताया उसे, तो परमेश्वर वो तो पाप में मर ही जाएगा, लेकिन आपसे भी परमेश्वर एक एक बात का हिसाब लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है, प्रचारक साफ साफ उसके पाप को क्या करना है, बता दे तो प्रचारक बच जाएगा। हाँ, प्रचारक बच जाएगा साफ साफ अगर बता दे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या किया। हाँ, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस राजा से कहा
कि तुझे अपने भाई की पत्नी नहीं रखनी चाहिए। हाँ, बोला कि नहीं बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या किया? हाँ, वो बोला ना, हाँ, कि राजा को बोला, हेरोदेस राजा को, कि तू अपने भाई की पत्नी मत रख। उसने यूहन्ना की बात को नहीं माना और उसे जेल में डाल दिया, यूहन्ना को जेल में डाल दिया और उसका सिर, और इतना ही नहीं, और यूहन्ना का, बपतिस्मा देने वाले का सिर भी कटवा दिया। अंत में हेरोदेस राजा के शरीर में क्या हुआ मालूम आपको? कीड़े पड़ गए, तब वो मर गया। वो यूहन्ना की बात को सुना रहता, वो प्रचारक की बात को सुना रहता तो वो बच जाता हेरोदेस राजा, लेकिन उसने क्या किया? यूहन्ना को मार डाला। हाँ, यूहन्ना का गला कटवा दिया, सिर को कटवा दिया, और उसका परिणाम ये हुआ। और वो अपने भाई की पत्नी को छोड़ा नहीं, उस उल्टा उसको जेल में डाल दिया, सिर भी कटवा दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि हाँ, हेरोदेस राजा कैसे मरा? हेरोदेस राजा कीड़े पड़ के मर गया। हालेलुया। जो प्रचारकों की बात को टाल देता है, सुनता नहीं है, उसका हाल ठीक है, अभी तो अच्छा लग रहा होगा, हेरोदेस राजा बहुत साल तक अच्छा रहा होगा, ऐशो आराम, लेकिन अंत उसका कीड़ा पड़ के मर गया। हालेलुया। यूहन्ना से सच बोलकर अपनी गर्दन कटवा ली। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तो प्रचारक ने सच बोल के क्या कर दिया? अपनी गर्दन को कटवा दी, लेकिन अपनी आत्मा को बचा लिया। हाँ, और अपनी पर उसने क्या किया? अपनी आत्मा को बचा लिया सच बोल के, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हेरोदेस राजा यूहन्ना की बात मानता तो उसके शरीर और आत्मा दोनों का लाभ हो जाता। हालेलुया। उसका शरीर भी कीड़े पड़ के नहीं मरते और आत्मा भी स्वर्ग में चले जाता। अगर वो किसकी बात मानता? यूहन्ना की बात मानता। उसी तरह एक और उदाहरण को मैं दे रही हूँ। नतान नबी ने दाऊद का पाप बताया और दाऊद ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसका पाप माफ कर दिया। अगर दाऊद अपना पाप नहीं मानता तो वो मर जाता। हाँ, वो मर जाता, वो आशीषित नहीं होता। नतान जैसे दाऊद को उसका पाप को बताया, दाऊद ने तुरंत क्या किया? पश्चाताप किया। अगर आज भी प्रचारक अगर चुप रहे, जो परमेश्वर उसको बता रहा है अपने स्वार्थ के लिए चुप रहे, तो परमेश्वर उससे उसका हिसाब लेगा। और अगर वो प्रचारक जैसे भले गले भी कटाना, यूहन्ना जैसे गला भी कटाना पड़े, तो आप पर बता दीजिए, आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। हालेलुया। नतान ने जैसे दाऊद को बताया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे हेरोदेस को बताया, उसने वो पाप को नहीं माना, ना सुना उसने, लेकिन नतान ने जैसे दाऊद को बताया, दाऊद ने तुरंत पश्चाताप किया और वो आशीषित रहा, वो इज़राइल का राजा बना, परमेश्वर ने इज़राइल का राजा उसको बना दिया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई पाप को बताता है, आप उसको घमंड मत करिए, उसको तुरंत मानिए, पश्चाताप करिए दाऊद जैसे, और तुरंत आशीष को पाइए। हालेलुया। परमेश्वर ने योना को, मैं तीसरा एग्जांपल बता रही हूँ, परमेश्वर ने योना को नीनवे में भेजा, पर वो जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसे मछली के पेट में जाना पड़ा। वहाँ पर उसने अपने पाप को मान लिया और मछली ने उसको उगल दिया, और फिर वह नीनवे गया। वहाँ पर उसका प्रचार सुनकर सब लोग बच गए। हालेलुया। सब लोग क्या हो गए? बच गए। राजा से लेकर गरीब तक सब ने मन फिराया और सारे पाप छोड़ दिए। इसलिए प्रचारक को परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने प्रचारक को देखो मारा नहीं, क्योंकि उसको वहां तक खबर पहुंचाना था। चाहता तो वो तीन दिन कोई मछली के पेट में रह रहा है तो क्या वो गल के मर नहीं जाता, सड़ नहीं जाता? हाँ, लेकिन परमेश्वर को क्या करना था? वो निन्वे वाले लोगों को बचाना था। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो तुरंत मार नहीं देता है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने निन्वे ने, योना ने क्षमा मांगा और मछली ने निन्वे के जगह में क्या किया, उस देश में उसको
उगाला और वो निनवे शहर पूरा क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। अगर मरना भी पड़े तो भी डरना नहीं चाहिए। प्रचारक लोग ध्यान से सुनिए, अगर गला भी कटाना पड़े तो गला को कटा दो, मरना भी पड़े तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी भी परमेश्वर का वचन नहीं सुना। शायद अगर वो सुने तो मन फिराए, पर अगर सुनाने वाला प्रचारक उनको नहीं सुनाए तो वो भी मरेंगे और प्रचारक भी मरेंगे। हाँ, निनवे के लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु कौन है वो जानते ही नहीं थे। जिस दिन योना गया, प्रचारक गया, और उसने एक ही चीज को बोला, मन फिरा और तुम 40 दिन में मरने वाले हो, उन्होंने तुरंत उतने दिन जानते ही नहीं थे। हाँ, और उन्होंने तुरंत मन को फिरा लिया। अगर योना ये प्रचार नहीं करता तो उन लोग भी क्या हो जाते, निनवे के लोग, हाँ, मर जाते, वो पाप में ही फंसे मर जाते और नरक चले जाते, और ये प्रचारक भी मर जाता और उसका हिसाब परमेश्वर इससे लेता। हाँ, पर योना क्या किया, उनको गया और बताया कि मन फिराओ, तुम लोग पाप से मुक्त हो, तुम लोग को परमेश्वर क्या करने वाला है, 40 दिन में मार डालेगा। और उन्होंने वो पश्चाताप किया, हाँ, पश्चाताप किया योना के प्रचार से। देखिए, चाहते तो उन लोग बोल सकते, अरे कौन यीशु, कौन तेरे को भेजा है, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मन फिराया, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और वे सब जो 40 दिन में मरने वाले थे वो सब के सब बच गए। हालेलुया। आजकल अधिकतर प्रचारक पाप के खिलाफ प्रचार करने से डरते हैं। मुझे बहुत दुख लगता है आजकल के अधिकतर प्रचारक पाप के खिलाफ प्रचार करने से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि सुनने वालों को बुरा लगे, हैं? मैं बहुत लोग को देखती हूँ, वो नहीं चाहते हैं, अरे क्या बताना, इन लोग बेचारे लोग सुन क्या करेंगे, हाँ, इन लोग क्या करेंगे, इन लोग को बहुत बुरा लगेगा, अरे बुरा लगे, सिर कटे, कुछ भी करते, हाँ, यहोन्ना जैसे सिर भी काटना पड़े, नतान जैसे, हो सकता है आपके आपके कुछ लोग आपका सिर काट दे, आपको मार डाले, लेकिन कुछ लोग दाऊद जैसे भी होते हैं, कुछ लोग निनवे जैसे भी होते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते, आप अपना ही वो क्यों देखते हैं, हाँ, अपना ही क्यों सब मेरे को पसंद करे, अगर मैं अच्छा अच्छा बोलूँगा तो, अरे क्या करोगे, अच्छाई को लेके नरक आप लोग भी चले जाओगे प्रचारक लोग। इसलिए खरा बोलो, सीधा बोलो, जो इन दिनों में ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 23 का 15 को मैं पढ़ती हूँ, यिर्मयाह 23 का 23 का 23 का 15 को देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यो कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कहा है, सोचिए। इसको जरूर से यिर्मयाह 23 के 15 को भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर क्या बोल रहा है, इनके तुम्हारे कारण भक्तिहीनता फैल गई है। हाँ, इसी का 6:14 को हम पढ़ते हैं, वे शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। हालेलुया। यिर्मयाह इसी का 14:13-14 को हम पढ़ते हैं, ये सब मैं बाइबिल में बता रही हूँ, देखिए परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं कि न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी, यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। हालेलुया। और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही, वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। हाँ, देखिए यिर्मयाह 23 का 15,
लिखते जाइए, यर्मिया 23 का 15, यर्मिया 6 का 14, यर्मिया 14 का 13, 14, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, रोज पढ़िए इसको, ये प्रोफेटिक वर्ड है, परमेश्वर कह रहा है जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं उनको भी बहुत से प्रचारक आशीष देते रहते हैं। मैं देखी हो, मैं आज सुधार रही हूँ, प्रोफेटिक वर्ड है, परमेश्वर ने मुझे ये रात भर ये प्रोफेटिक वर्ड को दिया। जो लोग पाप भी करते रहते हैं उसको जाके भविष्यवक्ता लोग क्या करते हैं, मैं किसी भविष्यवक्ता का खिलाफ में बातें नहीं कर रही हूँ, प्रचारकों के खिलाफ में बात, लेकिन सही बोलिए, सही बोलिए, अंत का समय बहुत निकट है, परमेश्वर आपसे भी हिसाब लेगा। हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, करते करते ऐसा ना हो कि नरक पहुंच जाए, उनसे पहले हमारे लिए हमको हिसाब देना है, हैं? आज बहुत से प्रचारक क्या करते हैं, जो पाप कर रहा है उनको भी आशीष देते रहते हैं। यहेजकेल 13 का 10 में हम पढ़ते हैं, यहेजकेल 13 का 10 में हम पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ आप, क्योंकि हाँ, क्योंकि उन्होंने शांति है, उन्होंने शांति है क्योंकि ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है, और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। सोच लीजिए, हाँ, शांति है प्रचारक लोग बोलते रहते हैं। आज अधिकतर मसीह समाज धोखे में जी रहे हैं, धोखे में जी रहे हैं। ये प्रोफेटिक वर्ड है, मुझे बोलने दीजिए, जिसको बुरा लग रहा वो बंद कर देना, पर जिसको अच्छा लगे वो ना दाऊद जैसे जरूर सुनना और अपने मन को वो करना। यहेजकेल 13 का 10 में लिखा है, आज अधिकतर मसीह समाज क्या कर रहे हैं, धोखे में जी रहे हैं। यशाया 30 का 10 में हम पढ़ते हैं, यशाया 30 का 10 में हम पढ़ते हैं, ये सब भविष्यवक्ता, यशाया 30 का 10 में हम पढ़ते हैं, वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबुवत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबुवत करो। हालेलुया। दूसरा तीमोथिस 4 का 3 चार पढ़ेंगे, मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब प्रोफेटिक वर्ड है। दूसरा तीमोथिस 4 का 3, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। आज के अधिकतर प्रचारक क्या कर रहे हैं, आज के अधिकतर प्रचारक के सुनने वाले ऐसे होते हैं जो सच्चा और खरा और पाप के छोड़ने का प्रचार सुनना नहीं चाहते हैं आजकल। हालेलुया। यहाँ पे साफ लिखा है आज के अधिकतर प्रचार के सुनने वाले कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो सच्चा और खरा और पाप के छोड़ने का प्रचार सुनना नहीं चाहते, वो बस चिकनी चुपड़ी बात को सुनना चाहते हैं, हमारे कान की खुजली के अनुसार आशीष देते रहो, रोटी कपड़ा मकान मिलते रहे, और पाप के विषय में अगर बताएं तो क्या करेंगे, गुस्सा हो जाते हैं, उस प्रचारक को उल्टा सीधा बात बोलते हैं। लेकिन आज का ये आखिरी समय है, ध्यान से सुनिए, आज ये आखिरी समय है, अंत के दिनों में हम रह रहे हैं, सबको अपना अपना जीवन बचाने का है, प्रचारक को खरा प्रचार करके अपने जीवन बचाना है। हालेलुया। सुनने वाले को इस पर अमल करने का, अपना जीवन बचाना है, सुनने वाले को भी अमल करना है और अपना जीवन को बचाना है, ये परमेश्वर चाहता है। सब सवाल ये अब परमेश्वर यही कह रहा है, खरा वचन को सुनाना है और इस पर अमल भी करना है लोगों को। हालेलुया। अब सवाल ये है कि परमेश्वर प्रचारक क्यों भेजता है, इसका एक ही जवाब है कि वो पापी को
मौत से खुश नहीं होता, जब है वो पापी के मौत से क्या नहीं होता है, खुश नहीं होता है। एक एक उदाहरण को मैं बता रही हूँ, एक उदाहरण को मैं बता रही हूँ। जब 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 एक बच्चा गरीब क्या हो जाता है, जब हमारा बच्चा कोई गलत काम करता है तो हम उसे एकदम सजा नहीं देते। आप देते हैं क्या? हाँ, एकदम से मार पीट करना चालू कर देते हैं। जब एक बच्चा हमारा, हाँ उसको ध्यान से सुनिए, जब एक बच्चा हमारा कुछ सजा करके आता है तो हम एकदम से पहले उसको समझाते हैं ना, चेतावनी देते हैं कि नहीं देते हैं कि मत कर, हाँ ऐसा ये सब गलत है, एकदम से सजा हम नहीं देते। पहले उसे हम क्या करते हैं, समझाते हैं और हम चाहते हैं कि वो गलत काम छोड़ दे। हाँ ऐसा करते हैं कि नहीं? यहेजकेल में हम पढ़ते हैं 33:11 में, यहेजकेल में हम पढ़ते हैं, यहेजकेल 33:11 में हम पढ़ते हैं, सो तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, यहेजकेल 33:11, इसलिए तू उसने यह कहा परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु उससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? हाँ परमेश्वर ये चाहता है। एक बच्चे को तुरंत हम दंड नहीं देते हैं, हाँ उसको समझाते हैं। परमेश्वर भी हमको समझाता है, परमेश्वर भी हमको नाश करने से पहले पाप छोड़ने का अवसर देता है, इसलिए प्रचारकों को भेजता है, इसीलिए भेजता है कि जाओ और खरा वचन। मैं हमेशा पास्टर साहब जब प्रचार करते हैं तो मैं हमेशा बोलती थी कि क्यों ऐसा अलग प्रचार करते हो, बहुत लोग को चीड़ लगती है, क्यों ऐसा सब प्रचार करते हो, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो अब मुझे ये समझ में आया कि पास्टर साहब जो प्रचार करते थे वो उनके सुधारने के लिए, जो अब मुझे लगता है कि मैं गलत थी। मैंने तो मैं हमेशा सोचती थी कि उनको पसंद नहीं आता है, मैं हमेशा पास्टर साहब को कहती थी, लेकिन परमेश्वर जितनी भी मैं भविष्यवाणी की बातें कह रही हूँ उसमें प्रभु यीशु यही चाह रहा है कि अपने बच्चों को समझाओ, सिखाओ, उनके लिए स्वर्ग का रास्ता खोलो। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर भी हमको नाश करने से पहले पाप छोड़ने का अवसर देता है अपने प्रचारकों के वचन के से बोलने के, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। इसलिए प्रचारक जो खरा प्रचार करता है वो आशीषित है, जो सुनता और मानता है वो आशीषित लोग हैं। अब हमको नरक में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दे दी है, सलीब पर अपनी जान दे दी है। लेकिन अगर हम अपने पाप से मन नहीं फिराएंगे तो ज़रूर नरक में जाएंगे, क्योंकि इसी का 12वां पद में लिखा है, आप लिखते जाइए, इसी का 12वां पद में लिखा है कि परमेश्वर अगर धर्मी से कहे कि तू नहीं मरेगा और पाप करना शुरू कर दे तो वो जरूर मरेगा। बहुत से विश्वासी ये सोचते हैं कि हमने तो बैप्टिज्म लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, इसलिए अगर हम पाप भी कर ले तो क्या हो जाएगा, तो स्वर्ग में तो क्या हो जाएगा, तो भी हम स्वर्ग में ही जाएंगे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ पर ऐसा नहीं है ऐसा। हालेलुया, यदि विश्वासी पाप करे तो भी वो नरक में जाएगा और उस पर परमेश्वर बिल्कुल दया नहीं करेगा। ये जितने अभी तक के मैं बात को बता रही हूँ ये आपके भलाई के लिए बता रही हूँ, क्योंकि वो सत्य को जानता था फिर भी पाप किया तो वो नरक में ही जाएगा। जो सत्य को जानता है, जो बाइबिल को जानता है, फिर भी पाप करे, चाहे वो बपतिस्मा ले ले, चाहे पवित्र आत्मा, लेकिन अगर वो पाप कर रहा है तो वो नरक में ही जाएगा। परमेश्वर इसीलिए प्रचारकों को भेजता है, हैं? अधिकतर चर्च वाले पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, फिर भी पाप में गिर जाते हैं, इसलिए प्रचारक कड़ा प्रचार करता है कि छोड़ दो, तुम सुधरो,
मैं अब जाके मेरे को लगता है कि जो चिकनी चुपड़ी भविष्यवक्ताओं लोग बात कर रहे हैं, ठीक है वो प्रॉस्पेरिटी ठीक है वो सब, लेकिन ये भी मानना बहुत जरूरी है, आप पूरा वचन पढ़ के, मैं कोई भी चीज आपको वचन के बाहर से नहीं बता रही हूँ, सब अंदर से बता रही हूँ। पीड़ितों के काम 5:1-10 आप घर में जाके इसको लिखिए, बहुत अच्छी कहानी है हनन्या और सफीरा। हाँ, इसको पढ़ने का समय नहीं है। हनन्या और सफीरा ये दोनों सबसे क्या करते थे, पहली मंडली के विश्वासी थे कि नहीं थे, हैं? पर इन मंडली के पहली मंडली, ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा पीड़ितों के काम 5:1-10, मेरे को अभी पढ़ाने का 1-10 में पढ़ाने का समय नहीं है मेरे पास। हनन्या और सफीरा क्या थे, ये दोनों सबसे पहली मंडली के विश्वासी थे, बापरे, पर इन दोनों ने झूठ बोला और दोनों मर गए। हाँ, और मरने के बाद दोनों नरक में गए, क्योंकि लिखा है, सोचो, हाँ सोचो, पहले मंडली के पहले विश्वासी कितना आत्मा से भरे होंगे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिए होंगे, फिर भी झूठ बोलने के कारण हम झूठ बोलते हैं, हम गलत गलत बातों को करते हैं, इसके खिलाफ उसके खिलाफ, तब भी हम नरक में चले जाएंगे, दोनों नरक में चले गए, मंडली के विश्वासी लिखा है, पहली मंडली के विश्वासी। हालेलुया, इसलिए गर्व मत करिए, आज ही पश्चाताप करिए, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया, सब झूठों का भाग कहाँ है, नरक में होगा, सब झूठों का भाग कहाँ होगा, नरक में होगा, जितने झूठ बोल रहे हैं। ये हनन्या और सफीरा क्या थे, पढ़िएगा पीड़ितों के काम 5:1-10, ये पहली मंडली के विश्वासी, कितना आत्मा में भरे होंगे, अपने पास्टर के साथ जाते होंगे जगह जगह, कितनी आत्माएं बचाए होंगे, दूर दूर गांव गए होंगे यीशु का प्रचार करने, ट्रैक्स बांटे होंगे, हाँ, कितनी आत्माओं को प्रभु के पास लाए होंगे, पर एक छोटी सी झूठ के कारण वो कहाँ चले गए। आप भी हो सकता है बहुत प्रचार किए होंगे, चर्च में आके सेवा किए होंगे, झाड़ू लगाए होंगे, पोछा लगाए होंगे, आत्माओं को लाए होंगे, हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला, मन जब तक नहीं फिरेगा तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा। एक बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। मैं जब रायपुर, भिलाई से रायपुर जाती हूँ, तो हर थोड़े थोड़े दूर में ये शब्द लिखा हुआ है, नजर हटी दुर्घटना घटी। हम नजर को जैसे हटाते हैं हमारे साथ दुर्घटना होती है, नजर जैसे हवा ने हटाई दुर्घटना उसके साथ हुई। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 21 का हमको पढ़ने का समय नहीं है, सब झूठों का भाग कहाँ है, नरक है, ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:8 में, प्रकाशित वाक्य 22:15 में भी लिखा है, आप पढ़िएगा, सब झूठों का भाग, इन लोग ने झूठ बोला और नरक गए, हाँ, दोनों मर भी गए नरक भी चले गए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है सब झूठों का भाग कहाँ होगा, नरक की खाई है। 1:7 में लिखा है, इसको पढ़िए आप, 1:7, पहला यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसीलिए विश्वासियों को भी अविश्वासियों की तरह अपने पाप की माफी यीशु मसीह से मांगनी चाहिए, हाँ? क्योंकि उसका खून ही हमें क्या करेगा, सब पापों से शुद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया, एक विश्वासी को भी अविश्वासियों के जैसे क्या करना है, माफी को रोज मांगना है, गलती हो जाती है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, हमें क्या करना है, उसके खून 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 ही से हम सब पापों से क्या हो सकते हैं, यीशु के खून से ही हम सब पाप, रोज अपने यीशु का खून को लगाना है, माफी मांगना है। यह एचकेल 33:14 में हम पढ़ते हैं, यह एचकेल 33:14 में ऐसा लिखा है, फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा
और वह अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे। ऐसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कहता है कि यदि मैं पापी से कह कहूँ कि तू जरूर मरेगा, लेकिन वो पापी मन फिराए और अपने पापों को माफ़ी मांगे, अपने पापों की माफ़ी मांगे, तो वो ज़रूर बच जाएगा, वो ज़रूर बच जाएगा। ऐसा परमेश्वर कहता है। परमेश्वर का ये कानून योना को बहुत बुरा लगा। हाँ, परमेश्वर का पता है ये कानून योना को बहुत बुरा लगा। योना ये चाहता था कि निनवे के लोग मर जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वो 40 दिन में मर जाएंगे, पर उनमें से एक भी नहीं मरा, सब बच गए। योना को बहुत बुरा लगा। अरे परमेश्वर, मैं झूठा कहला गया ना, हाँ बहुत बुरा लगा। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर दयालु है। अगर इंसान प्रभु यीशु से माफ़ी मांगे और पवित्र जीवन जीना शुरू करे, सब पाप छोड़ दे, तो ज़रूर नरक से बच जाएगा। हालेलुया। लेकिन कोई अपने आप को घमंड से अपने दिल को सख्त कर ले, घमंड से अपने दिल को क्या कर ले, सख्त कर ले, तो परमेश्वर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा प्रभु भी। वो तो दयालु है। देखिए निनवे के लोग कैसे क्षमा पा के क्या हो गए, हैं बच गए। मैं सोचती हूँ 5 दिन में ही परमेश्वर उनको उनके क्षमा को। जब मैं इन दिनों में वॉल्टर भैया से बात कर रही थी, कुछ किसी के बारे में बता रही थी कि इसको आजीवन कारावास हो गया है, जब तक सांस रहेगी तब तक के क्या होगा, ये मरते दम तक ये कारावास इसको मिल गया है। तो भैया ने मेरे को एक चीज़ बताया कि अगर इसके अच्छे काम होगा तो वो छूट भी जाएगा। तो मुझे ये चीज़ नया लगा। वैसी परमेश्वर भी अगर हम अच्छे बन जाए तो हमको परमेश्वर हमें नरक से डालने के बदले, जैसे योना निनवे के लिए किया, वैसा हमारे लिए भी करेगा। पर अगर हम अपने घर अपने दिल को सख्त करें और वैसे ही घमंडी रहें, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर भी कुछ फिर कुछ नहीं कर सकता। जब इंसान लोग कर सकते हैं तो दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। ये बात मुझे नया पता चला, और जो भी नया बात पता चलता है उसको मैं ज़रूर लिखती हूँ कि हाँ परमेश्वर, ये मेरे लिए नया। और उन लोग अगर अच्छा जीवन जिएंगे जेल में, तो क्या हो जाएंगे, उन लोग बच जाएंगे। हो सकता है 20 साल, 5 साल, 10 साल उसके बाद जेलर लोग उनको निकाल देंगे, ऐसा मुझे सुनने में मिला। तो वो तो हमारा पिता है, दयालु पिता है। अगर हम क्षमा मांग ले निनवे लोग के जैसे, तो वो हमें क्या कर लेगा, क्षमा कर देगा। लेकिन अपने दिल को कड़ा कर दे और वैसे ही जीवन रहे, तो प्रभु यीशु भी कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहाँ है? यीशु तो जानता था कि आदम कहाँ है। देखो कौन लोग ने अपने दिल को सख्त किया, मैं आपको बता रही हूँ। परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहाँ है? यीशु तो जानता था, यीशु तो सब कुछ जानता था कि आदम कहाँ है, पर उसकी ये इच्छा थी कि आदम अपने पाप को मान ले और मैं उसे माफ़ कर दूँ। परमेश्वर की इच्छा थी। अगर वो बता देता कि नहीं परमेश्वर, मैं झाड़ी के पीछे छुपा हुआ, पर प्रभु नहीं जानता क्या? प्रभु तो बनाया था उसको साधारण सी मिट्टी से, तो प्रभु नहीं जानता था क्या? पर प्रभु चाहता था, परमेश्वर चाहता था वो खुद बताए, वो स्वयं बताए उस बात को, अपने पाप क्यों बताए, क्योंकि अपने पाप को मान ले और मैं उसे माफ कर दूँ। पर आदम ने अपना पाप नहीं माना। वो कहता है कि मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। बाप रे, हाँ तेरी आवाज सुनकर क्या हो गया, डर गया। कि मैं तेरी आवाज़ सुनकर क्या हो गया, डर गया। फिर परमेश्वर पूछता है कि तू क्यों डर गया, क्या तूने उस फल को खा लिया जिसको मैंने मना किया था? परमेश्वर उससे पूछता, परमेश्वर पूछा उससे, उसने जवाब दिया कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया था, उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। हाँ, दोष इधर का उधर। हाँ, आदम का कहने का मतलब है कि मेरी
कोई गलती नहीं है, तूने ये स्त्री मुझे दी, इसने मुझे खिलाया। पहले तो प्रभु चाहता था कि भैया तू सुधर जा, तेरे को मैं माफ कर दूंगा, तो उसी समय बोलता हाँ प्रभु, उल्टा डर रहा था और उल्टा और दोष क्या लगा रहा, जो स्त्री तूने दी है वही मेरे को फल खिला दी। आदम का कहने का मतलब, मेरी कोई गलती नहीं है, तूने ये स्त्री मुझे दी, इसने मुझे खिलाया। आज अपनी गलती कोई नहीं, एक दूसरे को पर थोपते रहते हैं, ये इसके कारण, इसके कारण। अरे कारण कुछ भी हो, आप आओ यीशु के पास और माफ़ी मांग लो। यीशु आपको पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, उससे तो बाद में हिसाब किताब करता रहेगा। हालेलुया, आज भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता, अपने पाप का जिम्मेदार दूसरों को बताता है, दूसरों को बताता रहता है, तीसरे को बताते रहता है। जब परमेश्वर ने हवा से पूछा तो उसने सांप को दोषी ठहराया। आज भी परमेश्वर का आत्मा हमें पुकारता है, वो हमारी आत्मिक हालत पूछता है, तो हम भी अपने पाप को एक दूसरे पर डालकर अपने आप को नरक जाने के लिए तैयार क्या करते हैं, नरक जाने के लिए तैयार करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष को लगा के। हालेलुया, हालेलुया, मत करिए ऐसे। तुरंत जब परमेश्वर आपसे प्रचारकों के माध्यम से अगर परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, ये मत सोचिए ये मुझे सुना रहा है, हाँ ये तो सिर्फ सुनाते रहता है, आपको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर ने केन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तब उसने जवाब दिया, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? बाप रे, हाँ मुझे नहीं मालूम ऐसा भी, मैं क्या नौकर हूँ क्या, हैं रखवाला हूँ, मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर को तो सब कुछ मालूम था, और उसने कहा भी कि तेरे भाई का खून जमीन में से मुझे पुकार रहा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, फिर भी वह हमसे इसलिए पूछता है कि हम अपने पाप को मान ले और परमेश्वर की सजा से क्या हो जाए, बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। एलिशा ने गेजी से पूछा कि तू कहाँ है, कहाँ से आता है? उसने जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं गया एलिशा, हैं मैं तो कहीं नहीं गया। एलिशा तो सब जानता था, लेकिन उसने गेजी को अपना पाप के लिए क्या, पाप केवल करने का है, पाप से क्या करने का एक मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर उसने उसको उस मौके को क्या कर दिया, गवा दिया। हालेलुया। और फायदा नहीं उठाया और नमान का कोड उस पर लग गया। सोच लीजिए, एलिशा भी चाहता था कि वो अपने पाप को मान ले, पतरस ने सफीरा से पूछा कि क्या जमीन इतने ही पैसे की बिकी जितने तेरे पति ने बताए हैं, मैं दोनों हिसाब किताब करके आए थे। पतरस ने पूछा क्या तेरा पति इतने में ही जमीन बेचा। पतरस को तो सब कुछ मालूम था, गेजी को भी सब, एलिशा को भी सब कुछ मालूम था गेजी के बारे में, फिर भी वो चाहता था कि गेजी क्या हो जाए, हाँ गेजी अपना पाप को मान ले। वैसे पतरस भी किसके लिए, हनन्या के लिए चाहता था, हनन्या जो झूठ बोला सफीरा से चाहता था कि वो सच बोल दे। पतरस को तो सब कुछ मालूम था, पर उसने सफीरा को एक सच बोलने का मौका दिया, पर उसने भी मौके का फायदा नहीं उठाया और झूठ बोलकर मर गई। परमेश्वर आज भी हमको सच सच बोलकर अपना आत्मिक जीवन बचाने का अवसर सबको देता है, ये परमेश्वर का आत्मिक वचन है। हालेलुया। नूह ने करीब 100 साल तक प्रचार किया कि बरसात आएगी और सारा संसार पानी में डूबकर मर जाएगा, लेकिन उसकी बात पर कोई
कोई किसी ने भी क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया और सब पानी में डूब कर क्या हो गए, मर गए। हालेलुया। लूत अपने दामादों को समझाने के लिए रात को गया और कहा कि ये शहर परमेश्वर क्या करने वाला है, नाश करने वाला है, चलो यहाँ से भाग चलें। लेकिन उसके दामादों ने उसका मजाक उड़ाया और उसी नगर में रहकर क्या हो गए, मर गए वो सब। हालेलुया। आज भी सच्चे प्रचारों का मजाक उड़ाया जाता है, पर इसमें मजाक उड़ाने वालों का ही नुकसान है, हैं? आज भी सच्चे प्रचारक लोग, मैं बहुतों को देखती हूँ सच्चे प्रचारकों का मजाक उड़ाते रहते हैं। पर जो मजाक उड़ाता है, आप मजाक उड़ा रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पर इसमें मजाक उड़ाने वाले का तो सिर्फ नुकसान ही है, प्रचारक का नहीं। आज भी परमेश्वर हमको अपने आप को जांचने का मौका देता है, इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन सुनने का पढ़ने का अवसर हमको मिलता है। बाइबिल हमारे पास है, अगर कोई भी पाप हमारे जीवन में आता है तो तुरंत क्या करें, हैं? तुरंत उसको मानकर यीशु के लहू से शुद्ध होना चाहिए। तुरंत उसको मान ले और यीशु के लहू से शुद्ध हो जा। परमेश्वर के न्याय से बचकर स्वर्ग जाने का यही एक सीधा और सरल रास्ता है। अगर आपके मन में कोई भी पाप हो तो भी आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जिसका मन शुद्ध हो वो ही स्वर्ग में प्रवेश कर है, वो ही स्वर्ग में परमेश्वर को देखेगा। जिसका मन शुद्ध हो वो ही परमेश्वर को देखेगा, नहीं तो कोई नहीं देखने वाला। हालेलुया। हैं? जिनका मन शुद्ध है वही स्वर्ग में किसको देखेगा, परमेश्वर को देखेगा। जिसका मन गंदा हो वो नरक में शैतान को देखेगा। सोच लो किसको देखना है? हैं? दो ही जगह है, नरक और स्वर्ग, और कोई तीसरी जगह नहीं है। आज हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे मन में क्या है? शायद लोग हमको बहुत अच्छा कहें, पर कोई किसी के अच्छा कहने से अच्छा नहीं हो जाता और बुरा कहने से बुरा भी नहीं हो जाता। डरिए मत, किसी के बुरा कहने से बुरा आप नहीं हो जाएंगे। आपको जो यीशु कहेगा वही सच रहेगा। हकीकत में हम वो हैं जो परमेश्वर हमको कहे, जो परमेश्वर हमारे लिए कहेगा वो ही हकीकत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दिल को देख कर न्याय करेगा, हमारे दिल को, हमारे विचार को देख के, जो परमेश्वर हमको कहे और वो हमारे दिल को देख कर न्याय करेगा। खुशी की बात है कि यीशु का खून हमारे दिल को भी धोकर शुद्ध करता है। बहुत खुशी की बात है आज। हालेलुया। अगर किसी का दिल गंदा है तो अपने मन के क्या करो, ख्यालों को यीशु के सामने अपने गुप्त प्रेयर में रखें और उससे कहें कि हे यीशु, मुझे इस गंदे ख्यालों से छुटकारा दे। गंदा ख्याल है तो कहें, गुप्त में प्रार्थना करें, प्रभु ये नहीं पब्लिकी जाओ और माफ़ी कर दो नहीं, गुप्त में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। आपके गंदे ख्यालों से छुटकारा आप चाहते हैं तो गुप्त में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तेरे लहू से मेरे गंदे ख्यालों से छुटकारा दे, ऐसा बोलना है। यीशु तेरे लहू से मेरे गंदे ख्यालों को क्या कर, छुटकारा दे। यीशु लहू से मेरे गंदे विचारों को धो दे। अगर आप ऐसा कहेंगे, तो तुरंत आपका मन शुद्ध हो जाएगा। बाद में मन शुद्ध होने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, फिर आप परमेश्वर के न्याय से बच जाएंगे। हमेशा मन को साफ रखें। अगर बार बार गंदा हो तो बार बार प्रार्थना के द्वारा साफ करें। यही एक तरीका अपने आप को पवित्र रखकर स्वर्ग में जाने का है। आप इसको अपना लें। आप इसको अपना लें। परमेश्वर चाहता है और संसार में आनंद मनाए
और परमेश्वर के न्याय से बचकर स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ हैं, प्रभु यीशु के साथ रहें। प्रभु यीशु आपको ऐसा करने में ताकत दे। मैं बहुत लोग को देख रही हूँ जो आज मैं कोविड के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। जितने कोविड लोग हैं जो सेकेंड स्टेज से डरे हुए हैं, अभी तीसरी लहर आने वाली है और ये तीसरी लहर पता है आपको इतने जल्दी नहीं आएगी। जब मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि प्रभु ये तीसरी लहर कब आएगी, तो परमेश्वर ने कहा ये तीसरी लहर आएगी तो ज़रूर, क्योंकि मैंने दूसरे लहर के लिए प्रोफेसी दिसंबर से करना चालू कर दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि जो दूसरा लहर होगा वो सिर्फ मौत होगी, लेकिन तीसरी लहर के लिए मैंने परमेश्वर से पूछा ये कैसा रहेगा। ध्यान से सुनिए, अभी तो हम हॉस्पिटल तक जाने का समय मिल रहा है, लेकिन जो तीसरी लहर होगी वो हॉस्पिटल तक जाने का मौका नहीं मिलेगा। टेम्परेचर एकदम से अप होगा और सडन डेथ हो जाएगी। सडन डेथ ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया तुरंत। जैसे अभी तो हम जा रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, हाँ वेंटिलेटर तक भी पहुँच बहुत लोग ने पहुँचा और वापस आए, लेकिन जो तीसरी लहर होगी, तीसरी लहर आपको हॉस्पिटल तक भी आपका जाना नामुमकिन है। फिर मैंने परमेश्वर से पूछा क्या प्रभु यीशु ये किन के लिए है, तो परमेश्वर ने कहा ये उनके लिए है जो प्रचार सुनते तो हैं, जो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते, खरा वचन को विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो यीशु का पूरा पूरा वचन को मानते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उसको ये तीसरी लहर आने ही नहीं देगा, ना छूने देगा। ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन ये तीसरी लहर जो रहेगी वो बहुत भयानक रहेगी। परमेश्वर आपको मन फिराने का ये भी अवसर नहीं देगा। जैसे अभी दूसरी लहर में लोग हॉस्पिटल में गए, अपने पापों से पश्चाताप किए बहुत लोग ने, लेकिन तीसरी लहर तो जैसे अटैक आता है वैसा अटैक आएगा और सडन डेथ हो जाएगी। ये परमेश्वर ने दिखाया, इसलिए प्रभु चाहता है ये वचन को मजाक में मत लो। जब पास्टर, जब प्रचारक प्रचार करते हैं और ये नहीं कि केवल चिकनी चुपड़ी बातें जो कर रहा है उसी को वाह वाह करो, और दूसरे प्रचारकों, किसी प्रचारकों का मजाक मत उड़ाओ इन दिनों में। ये परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपको अगर नहीं सुनना है तो कान को बंद कर लो, रुई डालो, बंद कर दो, लेकिन मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि ये तीसरी लहर हॉस्पिटल तक भी जाने का मौका नहीं देगी। ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया। अभी वो तीसरी लहर बोल रहे हैं आ गई है, लेकिन तीसरी लहर नहीं आई है, अभी नहीं आई है। बोल भले रहे हैं क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे, वैज्ञानिक नहीं समझ, इसलिए तीसरी चौथी बोल रहे हैं। ये तीसरी लहर ऐसी ही रहेगी, सडन डेथ रहेगा, तुरंत मृत्यु रहेगा, हमको पश्चाताप का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु चाह रहा है। मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु कि ये किनके लिए है, प्रभु ने कहा जो वचन का मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, ये उनके लिए है। जो प्रचारक को जो खराब प्रचार करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, ये उनके लिए है। पर जो बाइबिल की पूरी शिक्षा चेतावनी के साथ मानते हैं उनको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जो डरते हैं यीशु से, पाप करने से डरते हैं, झूठ बोलने से, प्रकाशित वाक्य को पढ़िएगा क्या क्या चीज से हमको बचना है। मैंने जो भी रेफरेंस आज आप लोग को दिया ये केवल प्रोफेटिक वर्ड था। ये यशाया है,
ये एचकेएल इन लोग ने पहले से ही लिख चुका है, ये प्रोफेटिक वर्ड आज आपको मैंने दिया। इसलिए परमेश्वर के न्याय से डरिए, और जब हम सडन डेथ होगा तो पश्चाताप तो कर ही नहीं पाएंगे। ये प्रभु ने मुझे दिया है, इस वचन के अनुसार परमेश्वर ऐसा करने की आपको ताकत दे आज से। किसी वचन के लिए डिस्कस मत करिए, मत करिए डिस्कस, नहीं समझ में आ रहा चुप रहिए। किसी प्रचारक का मजाक मत उड़ाइए जो खरा प्रचार करते हैं। मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ, अगर अगर नहीं समझ में आ रहा तो उठ के भाग जाइए, भाग जाइए, लेकिन मजाक मत उड़ाइए। प्रभु आपसे कह रहा है। आइए मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ आप सबों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद रिबा शांडा लारा बाशी खुंदी रिले लारा बाशांडा लारा ओ रबा बाबा लारा बाबा बाला रबा शाथा लारा बाशिंदूरी लारा। ओ प्रभु यीशु, ओ परमेश्वर, आपने कहा तीसरी लहर आने वाली है, पर ये तीसरी लहर सडन डेथ को दिखा रहा है प्रभु यीशु। पर आपने कहा ये तुम्हारे मेरे बच्चों के लिए नहीं है, ये मेरे मानने वालों के लिए नहीं है परमेश्वर। हम आप धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, आप आज अपने पापों से मन फिरा ले और ये भयानक मृत्यु के कोप से बच जाए यीशु के नाम से। प्रभु एक और चीज दिखा रहा है, ये जो दूसरी लहर है वह बहुत जल्दी खत्म होते जाएगी। जो डेथ रेशियो, जो कोविड रेशियो, ये सब खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर मुझे एक और बात को कह रहा है, ये जो तीसरी लहर रहेगी वो कोविड से रिलेटेड कुछ नहीं रहेगा, ये दूसरे टाइप का बात रहेगा। इसलिए पर प्रभु आपने कह दिया कि मेरे मानने वालों के लिए नहीं रहेगा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। पूरे जितने भी लोग सुन रहे हैं ये वचन को परमेश्वर, उसे आशीषित करना, हर एक पाप से मन फिराने वाला बनाना, ताकि न्याय इनके लिए ना होने पाए परमेश्वर। पृथ्वी में न्याय इनके लिए, जो तुरंत सडन डेथ का वो इनके लिए ना होने पाए, बल्कि स्वर्ग का दरवाजा इनके लिए खोलने पाए यीशु के नाम से। आमीन। प्रार्थना में है, विश्वास करता हूँ कि आपने अद्भुत दलों की वाणी को सुना है। हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, इस लहर से बचाकर आने वाली लहर से बचाने के लिए प्रभु हम और हमारे परिवार को प्रभु बचाना चाहता है। वो चाहता है कि हम सचमुच पश्चाताप के साथ उसकी वाणी पर ध्यान करें। दूसरा प्रभाव तो खत्म हो रहा है, मगर तीसरा प्रभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं, जो हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। जबकि प्रभु ने संदेश दिया, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु यही बताता रहा, जितनों ने माना उनका जीवन बच गया। वे पूरे लोग निनवे के लोग बच गए। नूह के समय प्रचार करता रहा, केवल उसका ही परिवार बचा। लूत के समय के लूत और उसके बच्चे, बाकी जिन्होंने नहीं माना वे नाश हो गए। प्रभु नहीं चाहता है, हम प्रभु से ये चाहे, हाँ प्रभु बचा ले मेरे लोगों को, हमारे लोगों को। प्रभु ने जिनको दाम देकर मोल लिया वे और उनका पूरा परिवार बचा लिया जाए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना के साथ प्रभु से कहे, हाँ प्रभु बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्रापों से और पापों से, बुरी आदत से, बुरे विचारों
अचाले मेरे लोगों को, अचाले मेरे शहर को, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु अद्भुत ये सुंदर सौभाग्य दिया कि हम सचमुच में प्रार्थना के साथ अपने और अपने परिवार के लिए समर्पण के साथ इसमें शामिल हुए। पर प्रभु चाहता हम व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से अपने जीवनों में सुरक्षा के हथियार को मान लें। प्रभु कहता मैं तू और तेरा परिवार बचाया जाएगा। कैसे? यीशु ने कहा था मैं और मेरा परिवार हम यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु आज अनुग्रह दीजिए अपनी करुणा दया में, जब आप अवसर प्रदान कर रहे हैं जागरूक करके हमारा हमारे परिवार की चिंता करते हैं कि क्या आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और प्रभु जो लोग अंगीकार के साथ, धीरज के साथ उसके प्रभुत्व को स्वीकार करेंगे, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित करते हुए अपनी महिमा को देगा। आइए प्रभु से चाहें कि प्रभु अपनी अद्भुत योजना को हमें से हर एक के जीवन में पूरा करें, कि प्रभु की योजनाएं जो हमारे लिए अद्भुत है उसको हम प्रभु से मांग सके और कहें प्रभु जो कुछ भी हम मांगेंगे प्रभु आप उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, अपनी खताओं को मानता हूं प्रभु से ये कहें, हाँ प्रभु हम प्रभु अद्भुत बातों को चाहते हैं। थैंक यू जीसस हालेलुया, थैंक यू जीसस हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें हाँ प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, मांगते हैं, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। बहुत से अरमान है हमारे दिल के, पर प्रभु कहता वो कब होगा जो अपनी खताओं को मान ले। जिन जिन लोगों ने नहीं माना वे नाश हो गए, अभी हमने सुना, कतार से हमने सुना कैसे प्रभु के दास जो बोले उन्होंने उनको नहीं माना, साथ साथ वे तो नाश हो गए, साथ साथ उनका सिर कटवा दिए। बहुत सारी बातें प्रकार से होती है, मगर प्रभु ने जिनके लिए जो बातें रखी है उसी बात को प्रभु चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम इस बात को स्मरण रखें। आइए हम प्रभु से विनती और प्रार्थना करें और कहें हाँ प्रभु प्रार्थना में हम मांगते हैं कि ये बातें जो हम और हमारे परिवार के लिए बुरी आदत, बुरे विचार, शापों से, पापों से हम सबों को बचाकर आपकी अद्भुत में हमें तैयार करिएगा। हालेलुया। आइए अपन प्रभु से मांगे, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान, सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान, दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरे माँ, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरे माँ। जाना सभी को आखिर वही है होगा जहाँ इंसाफ, जाना सभी को आखिर वहाँ है होगा जहाँ इंसाफ। तो दे दिलों को आज मारे कर दे से साझेदारी को खत्म करते हुए जिन्होंने आज इस सच्चाई के आलम को जो कलीसिया रूपी योजना परमेश्वर ने आत्मिक परिवार में जो सच परिवार है जो आत्मिकता में रचा गया और अद्भुत महिमा के लिए तैयार किया जा रहा है यीशु के नाम से हरेक विश्वासी गण इसमें शामिल किया जा सके कोई भी नाश न हो क्योंकि दूसरा पत्रस 3:9 के आधार पर आप कहते किसी के भी नाश होने से आप प्रसन्न नहीं होते सबको मन फिराव का अवसर देते हैं कि पश्चाताप करके लौट आए इससे शांति के और महिमा के वे दिन जिनकी आंखों ने देखा कान ने सुना चित्त में चढ़ी उन बातों को मैं उनके लिए उनके परिवार के लिए अद्भुत दिखा सकूं। धन्यवाद प्रभु इस महिमा योजना में प्रभु केला बचाना नहीं बल्कि अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए तैयार है। आज हमारे साथ हमारे अंदर और हमारे लिए है कि हमारे द्वारा प्रभु की अद्भुत योजना को पूर्ण कर सके और सच में अद्भुत महिमा और राज
रखा है उसको ग्रहण करते हुए प्रिय हरे विश्वासी जिन्होंने पश्चाताप के साथ आज अपने जीवन को समर्पित किया उनके जीवन धन्यवाद देते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना और इन प्रियो को पश्चाताप के साथ ग्रहण करके सुना एक नव जीवन उपहार स्वरूप दिया इसमें धन्यवाद देते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना और सब सब प्रकार की सभागी विश्वासियों के साथ आज से लेकर दोबारा मौका होती है गॉड ब्लेस यू